हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई एक्सक्लूसिव न्यू मुंबई कोस्टल रोड फर्स्ट डे ड्राइव, इंडियाज फर्स्ट अंडरसी टनल इन मुंबई। चलो देखते हैं अंडरसी टनल। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कसी आए पब्लिक, आज की डेट हो गई 12 मतलब कैसे हो पब्लिक? 8 o'clock, ठीक है। निखिल मेरा कॉलेज फ्रेंड्स निखिल मेरे साथ है और आज आपको पत्नी है। और कितना पैसा खर्च हुआ निखिल? 12,000 करोड़। आप याद देख लीजिएगा, लगभग देखा है कैसे लाइट कैसी डिजाइन में थी। अभी तो सिर्फ 10 किलोमीटर का स्ट्रेट नहीं थी किया गया है, और वो भी वन वे, यानी कि वर्ली टू मरीन ड्राइव। दो एंट्री है अगर आप देखोगे, एक है बिंदु चौक, एक वो हो गया, और दूसरा आप देखोगे यहाँ पर ये लोटस जंक्शन से है ना। अब देखो यहाँ से ही आप लोग एंट्री कर रहे हैं। इट इज 8:10 और पब्लिक के लिए अब कोस्टल रोड ओपन कर दिया गया है और आपको देखने को मिलेगी इंडिया की पहली अंडर वाटर। आज तो पानी में होके जाएंगे बिना पानी से गिले हुए। चलिए एक और आपके लिए एक्सक्लूसिव धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अगर आप मुंबई से देख रहे हो पूरा ब्लॉग देखिएगा, 10 किलोमीटर का जितना भी स्ट्रेच है ना, तो यहाँ से अब हम एंट्री करने वाले हैं, पूरा वो आपको दिखाएंगे। तो मेरा नाम है डोलिश। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारे साथ 200 जर्नी। आपके लिए बैक टू बैक एक्सक्लूसिव कंटेंट। और कौन कौन लोटस जंक्शन के आसपास से देख रहा है जरा बताइएगा। देखो अब सीधा आपको एरिया बड़ा अच्छा लग रहा है। अब सीधा आपको पहले ऊपर वहां लेके चलेंगे, अंदर क्या क्या मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना आपको टोल देना है सब आपको डिटेल में बताया। सीधी सादी बात है। अच्छा ये वही वाला जो कह रहे थे ना, इसको किया हुआ है शील्ड ताकि वहां से दिखे ना। चलो पूरा आपको स्ट्रेच दिखाएंगे जो मुंबई कोस्टल रोड जो आपको कनेक्ट करता है फ्रॉम वर्ली मरीन ड्राइव आप कह लीजिए टू कांदिवली साउथ टू नॉर्थ। पहले चलने का बनाया हुआ है, आज इसको ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, पहले आपको पूरा दिखाते हैं। और यहाँ से आप देखो ये जो चलने के लिए हम एंट्री करते हुए टाइमिंग का आपको बता दूं, सुबह 8 से शाम को 8 बजे खुलेगा ये सिर्फ और सिर्फ वीकडेज। देखो लोग जाने लग गए हैं, वीकेंड्स को इट इज क्लोज, प्लीज ध्यान रखिए। जैसे आपको बताया सुबह 8 से 8 और ये देखिएगा एकदम चमचमाते निखिल, एकदम चमचमा नजारे के साथ। क्या बात, 8 बजे सुबह 8 बजे निखिल, फर्स्ट डे फर्स्ट राइड। क्या बात है, ये देखो मुंबई कोस्टल रोड के आपको नजारे हम दिखाते हुए यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले टाइमिंग्स का प्लीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज लोग थोड़ा क्या कल रात को भी मैं था, कल रात जैसे हम ड्राइव करते हैं यहाँ पर उसी टाइप से लुक आ रही है बिल्डिंग्स की सब। यानी कि वर्ली से ये लोटस जंक्शन से अगर आप लेना चाहें, ये दूसरा जो चौक बताया आपको, वहां से एंट्री करके आप मरीन ड्राइव पर निकलोगे। 9.5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का स्ट्रेच ये देखिएगा। बस डिफरेंस ये कि हमारे में ऑरेंज ब्लैक ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना यहाँ पर। और आपको बताइए होगा कल ही इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय द सीएम, कल सुबह 11:30 बजे इसका इनॉग्रेशन हुआ और आज 12 तारीख से ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। एक्साइटमेंट है, देखो दूर से देखो लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे है ना, टोल देना नहीं है, टोल फ्री रोड है। ओ, और क्या चाहिए, जो टैक्स दे रहे हैं। क्या बात है, देखो यार दूर से अगर यहाँ पे तो टोले इतने महंगे महंगे कंगला कर देंगे लोगों को। फर्स्ट डे फर्स्ट राइड आपके लिए। और अभी तो काफी कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ, मेरे को देखनी है टनल। हाँ निखिल, जो अंडर वाटर सी टनल आएगी इंडिया की पहली अंडर वाटर टनल वो देखेंगे। इसमें 2-3 एग्जिट भी दी गई हैं। देखो बिल्कुल आज शुरुआत है तो फिलहाल मेरे पास उतनी जानकारी है नहीं, बट आप देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाइक्स अलाउड नहीं, पेडेस्ट्रियंस अलाउड नहीं, बसेस वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। बसेस खाली बेस्ट की बस हो गई या गवर्नमेंट बस वगैरह अलाउड करेंगे। देखिए स्पीड का ध्यान रखना 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम है ना। टनल में कुछ आएगा, अरे भाई साहब क्या देखो, स्पोर्ट्स कार देखो क्या भागती हुई, इसको छूट दे दी भाई साहब। भगा ऐसी रोड आपको मुंबई में मिलेगी भाई साहब, रोड नहीं है तो कैमरा वगैरह भी है। और सबसे अच्छी बात, बिकॉज इस रोड को कनेक्ट किया जाएगा टू बैंड्रा वर्ली सीलिंग। अभी देखो बता रहे हैं मे बी बाय मार्च एंड शायद कनेक्ट हो जाए, बिकॉज वहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट देश तरक्की करता हुआ। मुंबई में पहले ओपन की गई थी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL, जिसका व्लॉग मैंने आपके सामने लाया था। अब देखो यहाँ पर देखो एग्जिट दिया गया है, मुझे लगा टनल आ गई है, अभी तक कहीं नहीं है, एग्जिट दिया गया। देखो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो धीरे धीरे प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बनता जाएगा, सिर्फ 10 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको दिया गया है, और जो टाइम लगता था ट्रैफिक में अपने को लिटिल सीधा लेना है। अपन निकलेंगे, अपन चलेंगे नरीमन पॉइंट यानी कि मरीन ड्राइव।
अपन निकलेंगे प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर, ये देखो यहाँ पर एग्जिट दे दी, जहाँ टाइम लगता था 1 घंटे आप कह लीजिए 1.5 घंटे, अब सेम जर्नी आप कवर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ये कहाँ है अभी तक टाइम नहीं, बिल्ड बाय एलएनटी, जरा यहाँ रुकेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, जरा रुकेंगे, रुकना अलाउड है, राइड चल रही है, बिकॉज आज क्या है फर्स्ट डे है और अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, तो हमने सोचा थोड़ी आप देखो हमने यहाँ गाड़ी रोकी है और आप यहाँ देखिएगा, आप देख सकते हो वेलकम टू द फर्स्ट अंडरसी टनल, दैट इज आल्सो बिल्ड बाय एलएनटी। देखो लोग अभी अभी गाड़ी देख रहे हो ना, देखो आप ये रफ्तार सुनिए, कितना लोगों ने इस चीज के लिए इंतजार किया, मुंबई कोस्टल फाइनली ओपन फॉर पब्लिक। अब चलिए अंदर आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कैसे जाना है पानी के अंदर से बिना गिले हुए, और स्पीड का ध्यान रखिएगा, स्पीड कितनी निकल 60 अंदर टनल के अंदर 60 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको मेंटेन करनी है। देखो अभी यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब ऐसा ही बताया गया है मुंबई कोस्टल रोड के आसपास लगभग 250 एकड़ में एक सेंट्रल पार्क भी बनाया जाएगा लोगों के लिए। अरे वाह, जैसे जैसे बनता जाएगा मेरा देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात है मुंबई में यार, आमची मुंबई में आपको पता ही है द सिटी विच नेवर स्लीप्स, यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है, सबसे अच्छी बात है अब ये ओपन हो गया। मोदी जी बता तो रहे थे कहाँ की राजस्थान में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, कितनी सारी जगहों की बात कर रहे थे, और शाम को आई और सोचिए जब महाराष्ट्र में क्या मजा आएगा, बारिश होगी, गरम गरम पकौड़े मिल जाए मुंबई को। अरे चलो यार टनल दिखाओ, इस बोर्ड को देख के ना दिल खुश हो गया, हमें टनल देखनी है, हम रुका नहीं जा रहा, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर सी टनल वो भी आपके, चलो चलो दिखाओ। और अब आपको लेके चल रहे हैं इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर सी टनल, आप देख सकते हो फ्लावर्स वगैरह सब डेकोर वगैरह देख लीजिए, सुंदर डेकोरेट, बड़ा अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया इसका इनॉग्रेशन किया गया। यस निखिल जी हमारे साथ, हमारे फूल वालों की भी बड़ी कमाई होगी, हर जगह तो इनॉग्रेशन हो रही है, स्पीड मेंटेन करेंगे बिकॉज लोगों आपको दिखा, अरे वाह, इसलिए थोड़ा सा भी अभी अंदर नहीं घुसे, ऐसा शीशे का ही कर देना पानी में, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, मजे आ रहा है, मेरे को लगता है वर्ल्ड का सबसे पहला होगा ऐसा अगर शीशे का कर दिया, हार्बर पर धूम मच जाएगी, डेज में ही मतलब कचरा गलत साइड में लगा रहे हैं, तो लाइने मारी हुई की यहाँ नहीं चलाना, आवाज सुन रहा है आवाज, गलत साइड में चलाई जा रहा है एकदम फर्स्ट क्लास आवाज, कहाँ चला रही है, तो सड़क ही नहीं है, फर्स्ट बस लेन में गए, मेरे को लग रहा है घुस गए अंदर, पानी में घुस गए, कमाल फीलिंग आ रही है ना, क्या बनाया यार, क्या बनाया, तो अक्टूबर 18 में काम चालू हुआ और देखिए आपके सामने 6 साल बाद, आप कह लीजिए लगभग 6 साल लग यहाँ पर मजा आ गया यार, राइड करके सच में, बट प्लीज स्पीड को मेंटेन कीजिएगा, साफ सफाई बनाए रखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरा वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया, स्टॉप क्यों लिखा है, टनल यहाँ पर क्या जबरदस्त टनल बनाया है, आपको थोड़ा सा मैं मैप पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो हमने यहाँ से एंटर किया है, अब जो मुंबई से होंगे वो ये देख पाएंगे, देखो हमने ये पानी के अंदर है ना, ये देखो पानी लग रहा है, ब्लू ब्लू के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश, ये पानी के अंदर है अभी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये गिरगांव चौपाटी के नीचे से शायद क्रॉस होंगे, जहाँ तक मेरा आईडिया है, जो पूरी जर्नी आपको बताई दैट इज 10 किलोमीटर और जो टनल बताई जा रही है वो है 2 किलोमीटर, ये टनल में है कि नहीं है, अभी तक हम टनल में देखो बाहर आए, अच्छा बाहर आ गए, कितना सुंदर कवर, अच्छा ये अच्छा तरीका है कि अब तुम बाहर आ गए हो, टनल में थे स्टेशन कालवा देवी प्लस मंत्रालय, आप देखो यहाँ पर आई गेस निखिल बाहर आ चुके हैं अंडर वाटर सी टनल से, यस अब मे बी अब हम ये निकले हैं मरीन लाइन की तरफ, यस अब ये देखोगे 2 साल पहले बना देते हम भी घूम लेते, तो जो लगभग 2.7 आप कह लीजिए किलोमीटर का वो टनल थी, वो टनल भी हुई खत्म, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, और देखो यहाँ पर आप बाई चांस अगर मुंबई घूमने आ रहे हो तो आपके राइट हैंड साइड पर आपको मिलेगी मरीन ड्राइव, कितना सुंदर फ्लैग लगा लगा है, यहाँ पर राइड होती है खत्म 5 मिनट से, बता दो सिर्फ वर्ली से मरीन ड्राइव अभी चालू है, आप अपोजिट नहीं जा सकते हो, सिर्फ वन वे चालू है, मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी नाइस, पहले वो मैं तो कह रही थी जैसे वो शुरू में एंटर करने से पहले ऊपर वो शीशे टाइप का बनाया था ना, अगर वो टनल में भी अब नेक्स्ट बना देना शीशे वाला, ये वही था तो जो अमिताभ बच्चन गडकरी जी को बोले थे कि आपको तो याद रखते हैं जब इन टनलों से जाएंगे तो याद रखेंगे, हाँ वही ना कि हम लोग तो इतने ट्रैफिक में जब जाना होता है इतने ट्रैफिक में हमें टाइम लगता है, हमारी तो मूवी जब चलती है कोई तो 1-2 साल लोग याद रखते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, पर आपको तो जितनी बार वहां से निकलेंगे जब भी निकलेंगे हमें तो आपका याद आएगा कि देखो आपने ये हमको बना दिया, बहुत सुविधा वाली बात है, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक और
डेढ़ डेढ़ घंटा जिनको लगता था, मान लो उनको पता चलेगा कल से तुम्हें 5 मिनट लगेगा, वो हक्के बक्के रह जाए कि कहाँ डेढ़ घंटा लगता था, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। दिस इज अमेजिंग। मुझे तो इस बात की एक्साइटमेंट होगी, मैं पानी के अंदर से जा रही हूं। जो बेचारे ऑफिस जाते थे, ऑफिस आते थे, डेढ़ डेढ़ घंटा उनका बर्बाद होता था, अब 10 मिनट लगेंगे आने जाने में। अभी एक साइड की है, दूसरी साइड अभी बनेगी, तो उनको ये लगेगा इतना समय बच गया। दिस अमेजिंग, बहुत ही अच्छा काम किया, कमाल है। लोगों के टाइम की वैल्यू जानकर ये सब बनाया जा रहा है और सुंदर बढ़ाया, देखने में बड़ा। बस अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक ना हो कि ये भी जाम हो जाए, धीरे धीरे जाए, वही होना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो और इंक्रीज करनी पड़ेगी कैपेसिटी। वो तो है, पर अभी तो नहीं लग रही, अभी तो कोई कोई रश नहीं लगा, अभी तो बढ़िया लग रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।